कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 6th पार्ट है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में जो कीज होती है, बटन्स होते हैं, किस की का क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। मेनली इसका काम कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा और दूसरे टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। एक यूजर कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद इंटर किया हुआ डेटा मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है, जिससे कि सीपीयू उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को समझ जाता है क्योंकि इनपुट डिवाइस से आ रहा है। कीबोर्ड कई टाइप्स में आते हैं। यहाँ पर जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं ये क्वेरिटी कीबोर्ड है। क्वेरिटी लेआउट अब तक का सबसे फेमस और दुनिया भर में अपनाया गया पैटर्न है। तो हम बात करेंगे कि इस कीबोर्ड में कितनी कीज होती है और कौन सी की का क्या काम होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होती है। इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है, इसलिए मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेरिटी कीबोर्ड में लगभग 100 कीज होती है। कीबोर्ड में मौजूद हर एक की का अपना एक खास काम होता है। उसी काम के आधार पर इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फंक्शंस कीज, टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज, इंडिकेटर लाइट्स और न्यूमेरिक कीपैड। फंक्शंस कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। इन्हें कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक लिखा जाता है। फंक्शंस कीज का इस्तेमाल किसी खास काम को करने के लिए किया जाता है। हर एक प्रोग्राम में इनका काम अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, अब मुझे इस फोल्डर का नेम चेंज करना है। तो एक तरीका तो ये है कि अपने माउस से यहाँ रीनेम पर क्लिक करके इसका नेम चेंज कर दूंगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिंपल सा F2 प्रेस कर दूंगा। F2 प्रेस करते ही हम इसका नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो F2 कीज का जो काम होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। इसके बाद दूसरी होती है टाइपिंग कीज। यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट की है ये है टाइपिंग कीज। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं कीज का होता है। टाइपिंग कीज में दोनों तरह की कीज, अल्फाबेट और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें कम्युनल फॉर्म में अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। टाइपिंग कीज में सभी तरह के सिंबल्स और पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल कीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, ये सब कंट्रोल कीज होती है। ये शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर जो कीज है इनको नेविगेशन की कहा जाता है। इसमें होम, इंसर्ट, डिलीट और नीचे यहाँ पर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट आता है। यहाँ पर जो लाइट्स है इनको इंडिकेटर लाइट्स कहा जाता है। ये 3 तरह की होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। इसमें जो नम लॉक है, अगर ये लाइट ऑन होती है तो यहाँ पर हम इस कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लाइट ऑफ होती है तो इस कीपैड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इस लाइट को यहाँ नम लॉक से ऑन ऑफ किया जाता है। इसको हम एक बार प्रेस करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाएगी। दूसरी लाइट है यहाँ पर कैप्स लॉक। अगर ये लाइट ऑन होती है तो हम यहाँ पर जो भी लेटर प्रेस करेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इस की को यहाँ पर कैप्स लॉक बटन से ऑन ऑफ किया जाता है। एक बार प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैंने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया है तो जो भी लेटर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वो यहाँ पर कैपिटल में लिखा जाएगा, यानी कि अपर केस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से कैप्स लॉक बटन को प्रेस कर दूँ तो ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर जो भी लेटर हम टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, यानी लोअर केस। तीसरी इंडिकेटर लाइट है यहाँ पर स्क्रॉल लॉक। इससे हम स्क्रॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कीज है इनको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इनको कैलकुलेटर कीज भी कहा जाता है क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कैलकुलेटर के समान ही कीज होती है। इनका इस्तेमाल नंबर लिखने के लिए किया जाता है। हालांकि नंबर्स हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से नंबर लिखना काफी इजी और फास्ट होता है। अब हम बात करते हैं किस की का क्या काम होता है। सबसे पहली की है यहाँ पर ESC, इसका मतलब होता है एस्केप। इस की को प्रेस करके हम किसी भी प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। दूसरे है यहाँ पर फंक्शंस कीज, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसी स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। हर एक प्रोग्राम में इनका अलग काम होता है। यहाँ पर जो कीज है इनसे हम नंबर भी प्रेस कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर हम स्पेशल कैरेक्टर भी प्रेस कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी भी बटन को प्रेस करेंगे ऐसे ही तो नंबर यहाँ पर प्रिंट होगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं।
तो इन कीज के दो काम होते हैं, नंबर्स प्रिंट करना और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करना। स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर एक है टैब की। टैब की के इस्तेमाल करके यहाँ पर हम एक बार कई लेटर्स की स्पेस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें स्पेस देनी है तो हम टैब की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कई लेटर्स की स्पेस हमें मिल गई है। अब यहाँ पर हम टाइपिंग कर सकते हैं। फिर से स्पेस देनी है, टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर से स्पेस मिल गई। नीचे यहाँ पर है कैप्स लॉक, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर हम दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो ये कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा और ये वाली लाइट भी बंद हो जाएगी और यहाँ पर फिर जो भी लेटर हम टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यहाँ पर ये है शिफ्ट की, ये एक कंट्रोल की है। इसके जरिए हम काफ़ी सारे शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सारे लेटर्स लिखे जा रहे हैं स्मॉल में। अब हमें बीच में यहाँ पर कोई एक लेटर कैपिटल में लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। शिफ्ट को हम छोड़ देंगे, फिर से टाइपिंग करेंगे तो स्मॉल लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ पर हम सब लेटर लिखेंगे अपर केस में, लेकिन अगर हमें बीच में कोई एक वर्ड लिखना है लोअर केस में तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे तो वो लोअर केस में लिखा जाएगा। तो एक काम शिफ्ट का ये भी होता है। इसके अलावा भी शिफ्ट काफ़ी सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे यहाँ पर एक बटन है CTRL, इसका मतलब होता है कंट्रोल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये काफ़ी सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सबको हमें सिलेक्ट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इन्हें कर्सर की हेल्प से इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँ, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं Ctrl+A प्रेस करूँ तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और Ctrl+X के जरिए यहाँ पर ये सब कट हो जाएंगे, और फिर Ctrl+V के जरिए यहाँ पर ये सब पेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल किसी दूसरी की के साथ मिलकर के एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट बनता है और हमारे काम को काफी इजी बना देता है। यहाँ पर एक की है विंडो की। विंडो की को अगर हम एक बार प्रेस करें तो यहाँ पर मेन्यू आ जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो मेन्यू गायब हो जाएगा। यहाँ पर एक की है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टर। ये भी एक शॉर्ट की है, इसको हम किसी दूसरे बटन के साथ मिलाकर शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ और इस प्रोग्राम को अब मुझे क्लोज करना है, तो यहाँ पर मैं Alt+F4 प्रेस करूँगा तो देखिए प्रोग्राम क्लोज हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल बाहर आकर के अगर हम Alt+F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक बड़ा सा बटन है, इसको कहा जाता है स्पेस की। इसके जरिए हम लेटर्स के बीच में स्पेस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं वर्ड ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, बीच में हमें स्पेस देनी है तो यहाँ पर हम इसी बड़े वाले बटन को प्रेस करेंगे, स्पेस की को, तो हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी। जितनी ज़्यादा बार हम इसको प्रेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें स्पेस मिलेगी। तो इस बटन का बस यही काम होता है कि इसके जरिए हम लेटर्स के बीच में स्पेस देते हैं। जो कीज़ यहाँ पर दी गई हैं वही कीज़ दोबारा से यहाँ पर दी गई हैं, ऑल्ट विंडो और साथ ही कंट्रोल शिफ्ट। यहाँ पर ये बटन है एंटर, ये कहीं भी एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया, अब हमें दूसरी लाइन में जाना है तो हम एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। या अगर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एंटर प्रेस करते ही सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर ये है बैक स्पेस, इसके जरिए हम कुछ वर्ड्स को लेटर्स को डिलीट कर सकते हैं या बैक जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ लेटर्स टाइप किए हुए हैं, अब अगर हम बैक स्पेस को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो लेटर्स डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर लिखते टाइम हम कुछ गलती करते हैं तो बैक स्पेस को प्रेस करके हम उसको डिलीट करके दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ तक कि ये सारी कीज हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये है इंसर्ट की, जो कि इंसर्ट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर होम की। होम की प्रेस करके हम लाइन के बिल्कुल शुरू में आ सकते हैं। जैसे कि हमने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, अब अगर हम होम की को प्रेस करेंगे तो हम लाइन के बिल्कुल शुरू में आ गए यहाँ पर। यहाँ पर ये है पेज अप, इसको हम प्रेस करके पेज के बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है, अब अगर मैं पेज अप प्रेस करूँ तो देखिए बिल्कुल शुरू में आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर पेज डाउन है, अगर हम ऊपर हैं तो हम इस की को प्रेस करके बिल्कुल नीचे जा सकते हैं, पेज डाउन, और देखिए बिल्कुल पेज के नीचे आ गए। यहाँ पर एक की है डिलीट की। डिलीट की भी डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर ये एंड की है, ये बिल्कुल लास्ट में पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नीचे यहाँ पर ये नेविगेशन कीज हैं, जैसे कि यहाँ पर देख करके लगता है हम अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट राइट
या अप डाउन जा सकते हैं। नंबर कीपैड है, इसके जरिए हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ये की है प्रिंट स्क्रीन या प्रिंट SC। ये प्रिंट स्क्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट की होती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन को एक बार प्रेस करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाता है, उसके बाद किसी भी प्रोग्राम में जाके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड की सभी कीज के बारे में समझ चुके हैं। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये है ESC एस्केप की, किसी भी प्रोग्राम को छोड़ने के लिए। यहाँ पर ये जो दूसरी है, ये है फंक्शंस कीज, इनका हर प्रोग्राम में अलग काम होता है। नीचे यहाँ पर ये है टाइपिंग कीज, जिन्हें हम टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये है शॉर्ट कीज, जिन्हें हम शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है स्पेस की, इसके जरिए हम अपने लेटर्स के बीच में स्पेस देते हैं। यहाँ पर ये है नेविगेशन कीज, जिसके जरिए हम डॉक्यूमेंट में अप डाउन इधर उधर जाते हैं। ये है यहाँ पर इंडिकेटर लाइट्स, जिसके जरिए हमें पता चलता है नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक का। और यहाँ पर ये है कीपैड, जिसके जरिए हम नंबर्स को टाइप करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और समझ लीजिए, जब भी कहा जाए कि Ctrl+A प्रेस करो, तो आप यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करेंगे। साथ ही अगर कहा जाए कि Ctrl+V प्रेस करो, तो पहले आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद V प्रेस करेंगे। इसी तरीके से अगर कहा जाए शिफ्ट के साथ S प्रेस करो, तो आप यहाँ पर पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके साथ आप S को प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले आप S प्रेस करें और उसके बाद आप शिफ्ट को प्रेस करें। तो यहाँ पर पहले आपको कंट्रोल की को प्रेस करना है और उसके साथ ही किसी दूसरी की को आपको प्रेस करना है। जैसे कि अगर हमें डॉक्यूमेंट कॉपी करना है, तो कंट्रोल उसके साथ C प्रेस करेंगे। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, Ctrl+Z। तो पहले हम कंट्रोल की और उसके साथ दूसरी की को प्रेस करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप उनको डाउनलोड करिए और अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए कि कीबोर्ड की किस की का क्या काम होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। इसके बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप अपने माइंड में कीबोर्ड की तस्वीर अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कीबोर्ड में कौन सी की कहां पर होती है और किस की का क्या काम होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग के बारे में, कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं।